कमोडिटी मार्केट का, और यहाँ पर भी काफ़ी ज़्यादा हलचल हो रही है, क्या स्ट्रैटेजी अपना के चलनी चाहिए, एक बार ये भी समझ लेते हैं। IIFL सिक्योरिटीज़ के अनुज गुप्ता हमारे साथ मौजूद हैं। अनुज, थैंक यू सो मच इटिनव स्वदेश को समय देने के लिए। सोने चांदी से पहले शुरुआत करते हैं। एक स्टेबिलिटी इस वक्त देखने को मिल रही है, ज़्यादा कुछ मूवमेंट नहीं है इस वक्त सोने चांदी में हम देख रहे हैं, तो क्या करना चाहिए, यहाँ से तेज़ी करके ही चले? पूजा जी, गुड मॉर्निंग। देखिए, जिस तरीके से एक अनसर्टेनिटी वाला माहौल है और हम देख रहे हैं कि गोल्ड इंटरनेशनल मार्केट में $1920 के ऊपर सस्टेन कर रहा है, तो कहीं ना कहीं पॉजिटिविटी जो है वो गोल्ड में कायम है। हालांकि थोड़ा सा यहाँ पे रुकता हुआ नजर आया है, बट ट्रेंड पॉजिटिव है। तो यहाँ पर जैसा हम देख रहे हैं कि बायोन डिप्स में अच्छा खासी रिकवरी देखने को मिलती है, तो आज भी हमें लगता है कि बायोन डिप्स की स्ट्रेटेजी यूज कर सकते हैं। गोल्ड में करीबन 57,800 में खरीदारी करें, 57,450 का स्टॉप लॉस लगाएं, टारगेट 58,500 तक हो सकता है। और इंटरनेशनल मार्केट में एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि $1930-$1935 तक के लेवल देखे जा सकते हैं। हालांकि आज वीकेंड है, थोड़ा रेंज बाउंड मोमेंटम एक्सपेक्ट है, बट हाँ पॉजिटिव ट्रेंड हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि यहाँ देखा जा सकता है। ठीक है, तो बाय ऑन डिप्स की रणनीति अपनाइए गोल्ड और सिल्वर दोनों में ही। अनुज, कच्चे तेल में क्या करें, क्या यहाँ पर अब गिरावट थमते हुए नजर आ रही है? कल हमने देखा था कुछ रिलीफ तो आया था, तो अभी क्या करें, निचले स्तरों से खरीदारी करने की राय देंगे या फिर सेल ऑन राइस का मार्केट हो रहा है क्रूड के लिए? ओवरसोल्ड जोन में आया है, जहां पर हमने कल एक रिकवरी देखी थी। हालांकि कल भी हमने देखा था कि 5450 तक के लो क्रूड ने टेस्ट किए थे, वहां से एक रिकवरी आती हुई दिखाई दी है। तो यहां पर मैं मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं मार्केट एक थोड़ा सा शॉर्ट टर्म के लिए बॉटम बनाता हुआ दिख रहा है। तो करीबन 5600 के आसपास खरीदारी करें, 5450 का स्टॉप लॉस लगाएं, टारगेट 5850 तक हो सकता है। हालांकि 6000 का जो लेवल है वो एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस रहेगा, तो 6000 के आसपास अगर भाव आएंगे तो वहां पर आपको अगेन बिकवाली देखने को मिलेगी। मगर फिलहाल हमें लगता है कि अभी फिलहाल इंट्राडे परस्पेक्टिव से 5600 के आसपास खरीदारी कर सकते हैं। ओके, ठीक है, और बेस मेटल में कहाँ मौके देख रहे हैं? जिस तरीके से कल हमने एंटायर इक्विटी मार्केट में शाम को एक रिकवरी आते हुए देखी है, तो हमें लगता है कि इंडस्ट्रियल मेटल के लिए पॉजिटिव रहेगा। कॉपर में हमारी बाय की खरीदारी रहेगी, हालांकि हमने कल भी एक रिकवरी देखी थी लोअर लेवल से। तो करीबन 747 में खरीदारी करें, 742 का स्टॉप लॉस लगाएं, टारगेट 757 तक हो सकता है। हमें लगता है कि आज बेस मेटल में खरीदारी का माहौल देखा जा सकता है। ओके, तो कमोडिटी मार्केट में भी खरीदारी का ही माहौल नजर आ रहा है चौतरफा। कॉपर में, अगर आपको मेटल स्पेस में नजर रखनी है तो कॉपर में खरीदारी करके चलिए, कच्चे तेल में भी खरीदारी के ही मौके नजर आ रहे हैं अभी, और सोने चांदी में भी बाय की रणनीति इस वक्त अनुज सुझा रहे हैं। अनुज, थैंक यू सो मच हमें समय देने के लिए और ये तमाम रणनीति भी सुझाने के लिए कमोडिटी मार्केट से जुड़ी। तो ये तो थी कमोडिटी मार्केट से जुड़ी ये रणनीति, लेकिन इस बीच कुछ और भी ट्रेडिंग कॉल्स हमें मिल रहे हैं। सुबह हमारे ध्वनि से बात हुई थी, जिन्होंने की वर्लपूल और PVR में खरीदारी करने की सलाह दी थी। कुछ और भी हमें ट्रेडिंग कॉल्स मिल रही हैं। क्वांटिफाई से शुरू करें तो इन्होंने एशियन पेंट्स में खरीदारी करने की राय दी है 2950 के लक्ष्य के लिए, स्टॉप लॉस होगा 2870 का। ये स्टॉक में लगातार तेजी बनी हुई है, जिस तरह से क्रूड में बिकवाली आई है, 2% तेज था, आज भी आप खरीदारी की रणनीति अपना सकते हैं। और NTPC भी अच्छा लग रहा है स्तरों पर, 185 के लक्ष्य के लिए खरीदारी करने की राय। निर्मल बांग ने जो कॉल्स हमने दो शेयर किए हैं, उसमें पहला है जाइडस लाइफ, यहाँ पर बाय ट्रेड लीजिए, 489 का होगा टारगेट और स्टॉप लॉस होगा 470 का। और दूसरा कॉल है NCC पर, यहाँ पर भी ये खरीदारी ही देख रहे हैं, 108 के लिए आप यहाँ पर खरीदारी कर सकते हैं, स्टॉप लॉस होगा 97 का। कोटक सिक्योरिटीज़ की तरफ से हमें जो कॉल्स मिली हैं, उसमें पहला है टाटा स्टील, यहाँ पर ये खरीदारी करने के मौके ढूंढ रहे हैं। कल मैंने देखा था मेटल स्टॉक्स काफ़ी ज़्यादा टूट चुके थे, लेकिन निश्चित ये जो लेवल्स दिखाई दे रहे हैं इस वक्त, आप खरीदारी का ट्रेड ले सकते हैं, 110 का टारगेट होगा, लेकिन स्टॉप लॉस स्ट्रिक्ट लगाइए 103 का। और इन्फोसिस में भी खरीदारी की राय दे रहे हैं, 1450 का होगा लक्ष्य और स्टॉप लॉस होगा 1390 का। तो हर एक सेक्टर, हर एक पॉकेट में हम देख रहे हैं कि आज जो ट्रेड आ रहे हैं वो खरीदारी के ही हैं, सारे के सारे आज बाय ट्रेड ही देखने को मिल रहे हैं। स्टॉक स्पेसिफिक रिकमेंडेशन जो भी आई है, तो इन पर आप नज़र रखिए और स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस के साथ यहाँ पर कोई भी पोजीशन लीजिए। ठीक है, तो ये हैं ट्रेडिंग कॉल्स, लेकिन